तो उसको फितरत और उसकी जहन देखकर उसकी इस्लाह की जाएगी। छोटों की इस्लाह कैसे की जाएगी? छोटों की इस्लाह का तरीका यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लम छोटों की जब इस्लाह करते तो उनको जब सलाम का तरीका सिखाना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लम खुद जाकर बच्चों से सलाम किया करते थे, उनसे जाकर सलाम करते, फिर वो दो तीन बार ऐसा हो जाता फिर बच्चे खुद दौड़ते, अरे ये आकर पहले नहीं कर दे, हम जाकर करेंगे। बच्चा तो सीखता है, तो इस तरीके से वो सिखाता मिलता हमको, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लम का सलाम का मामला था, तो इस तरीके से वो क्या करते थे। और एक सहाबा फरमाते कि मैं जब छोटा था तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने मुझे एक बार जो है गए मजलिस के अंदर, सब लोग उसमें बैठ गए दस्तरखान के अंदर, और मैं खाना खा रहा था तो कभी इधर से खाता, कभी उधर से खाता, कभी उधर से खाता, और इधर उधर वो दौड़ते फिर रहे थे चारों साइड। अल्लाह के रसूल सल्लम उनको बुलाया, बिठाया, उसको समझाया कि बच्चा ऐसा नहीं करते, तुम जब खाना खाने बैठो तो तसल्ली से बैठो, फिर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसके बाद अपने आगे से खाओ। जब उनकी इस्लाह कर दी वो कहते कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लम मेरी इस्लाह की कि मैं ज़िंदगी भर फिर ऐसे ही खाना खाता रहा। नहीं तो हमारे मामला तो ऐसे होते हैं कि हमारे घरों के अंदर वालिद का एक मकाम, एक अलग रुतबा होता है, वालिद साहब आ गए और बच्चे सब खामोश, जैसे अगर शोर मचा रहे और अगर उधर से अम्मी ने आवाज़ लगा दी वालिद साहब आ गए अब्बा आए, तो सारे बच्चे गुपचुप गुप नजरिए में घुस जाएंगे, कोई पढ़ाई करने बैठ जाए डर जाते, अरे कौन आ गया, गब्बर से आ गया, ऐसा मामला। और खाना खाने बैठे तो उनको खाने में ज़रा डिस्टर्बेंस पसंद नहीं कि बच्चे में कुछ हरकत होती है, कुछ गिरा दिया, ढोल दिया, कर दिया, तो अब बच्चा बैठ गया तो वो ऐसा मामला हो जाता है। ऐसे बिल्ली होती ना, बिल्ली बिल्ली आपकी कितनी पालू तो 5 साल 10 साल आपने उसको पाल रखा हो, लेकिन जब खाना रख देंगे वो खाना खा रही हो तब आप उसकी छेड़ ना करें, चाहे कितनी आपके गोदी में बैठती हो, लेकिन जब आपने छेड़ करी तो आपको पंजा मारती। तो ऐसा मामला वालिद का हो जाता है कि वो खाना खाने बेटा खाने में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, जैसा आएगा थाड़ थप्पड़ बच्चे को, इधर थप्पड़ तो बच्चे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम देखे कैसी इस्लाह की, बच्चों की इस्लाह का तरीका हमको इसमें मिलता है।